फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपको सीजीएल 2018 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल उनका रहेगा, इसका एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। और चूंकि इसमें हम पूरे 25 क्वेश्चन लेते हैं, जिस तरीके से सीजीएल प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इनडायरेक्टली आपके सारे सेक्शंस, इंग्लिश के सारे सेक्शंस भी इसमें आपके कवर होते रहेंगे, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे आरसी हो, चाहे पैराजंबल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, सारे सेक्शंस आपके कवर होते जाएंगे। और एसएससी एग्जाम्स में देखिए, ग्रामर और वोकेबलरी पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है, मेन आपको जो फोकस करना है वो आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल पर करना है। स्पॉटिंग एरर और ग्रामर और वोकेबलरी पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और आरसी पर करना है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट के जो मार्क्स कटते हैं वो इन्हीं तीन सेक्शंस में कटते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको ग्रामर भी पढ़ना है, वोकेबलरी भी पढ़ना है, लेकिन आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन नंबर वन हम देखते हैं स्पॉटिंग एरर का। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली प्री में एकदम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ भी कठिन नहीं होता। जैसे यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो टू के बाद यहाँ पर मैन दिया हुआ है, एम ई एन मैन, टू के बाद एम ए एन नहीं आएगा, टू के बाद एम ई एन आएगा, और ये सही है। वर यहाँ पर सही है क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सही है। क्वारलिंग विद वन अनदर, आप देखिए ये जो पार्ट है ये इसमें पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। हालांकि करेंट इंग्लिश में ये चीज अब एक्सेप्ट हो रही है कि टू के लिए भी हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एसएससी ने इस पैटर्न को गलत माना है और इस वर्ड को गलत माना है। तो इसलिए यहां पर आपका जो आंसर होगा वो बी, इसमें आपका सही आंसर होगा। और एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे ही आप किसी भी एरर को स्पॉट करते हैं बस वहीं पर आपको रुक जाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको तभी पढ़ना है जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप 100% श्योर है कि यहां पर यही एरर है तो इस एरर को टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का जो रोल रहता है एग्जाम में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं, एवरीबडी नोज, तो एवरीबडी यहां पर सिंगुलर है तो इसके साथ नोज जो लगा है ये सही है यहां पर, ठीक है। दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अदर का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि भूटान जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्रीज में से एक है। भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ, और ऑफ के बाद भी हम ऑल लगाते हैं, ऑफ के बाद हम ऑल अदर नहीं लगाते, केवल ऑल लगाते हैं, तो इसलिए अदर जो है ये वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भूटान इज द मोस्ट पीसफुल और मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज। तो इस तरीके से आप बेसिक्स को भी समझते हुए चलिए, तभी आपको स्पॉटिंग एरर भी कर पाएंगे आप, और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप इफेक्टिवली कर पाएंगे। मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज यहां पर होगा, ठीक है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीद। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके लिए सांस लेना, ब्रीद मतलब सांस लेना, इसको हम ब्रीद पढ़ेंगे, और जो सांस जो नाउन है उसको हम ब्रेथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीद, क्योंकि यहां पर टू लगा हुआ है इसलिए ये वर्ब है और वर्ब को हम ब्रीद पढ़ेंगे। अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में एक तो कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। इसमें एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि यहां से देखिए, इसमें कुछ दो तीन रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें दोनों ही क्लॉजेज में आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी, ये एक रूल है, और दोनों ही जगह, दोनों ही क्लॉजेस में आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। ऐसा नहीं कि एक जगह कंपैरेटिव कर दिया और एक जगह सुपरलेटिव कर दिया। तो चूंकि इसमें V1 का हमने इस्तेमाल किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें हमने किया है, तो इसलिए यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे। तो द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट। अब चूंकि यहां पर तो क्लाइम है क्योंकि यू के साथ लगा है, तो इसमें हम एस या यस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पर जो नाउन है, जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी और उसमें एस लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बिकम्स। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। बिकम नहीं होगा इसमें, बिकम्स होगा, और बाकी के जो सारे ऑप्शन हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, नेहा हैज बीन क्राइंग मॉर्निंग। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 स्टूडेंट इसको सही करके आएंगे।
चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम समय का जो ड्यूरेशन है, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 महीने, 1 साल, ये होता है ड्यूरेशन। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लगाते हैं फॉर। और जो फिक्स टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, ठीक है, या कल से, या सोमवार से, या जनवरी से, इसमें हम लगाते हैं सिंस, क्योंकि ये फिक्स टाइम को इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, दैट इज सिंस। यहां पर आपको सिनोनिम या सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। और ओपुलेंट, ओपुलेंट का क्या अर्थ है? ओपुलेंट का अर्थ होता है जिसके पास काफी पैसा है, जो समृद्धशाली है और जो रिच है। तो इसमें यहां पर आपका आंसर होगा रिच। फेक का अर्थ होता है नकली, ग्लूमी का अर्थ होता है उदास और सेल्फिश। ठीक है, तो यहां पर आपका सिमिलर वर्ड जो होगा ओपुलेंट का वो होगा रिच। मोरोज, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है और मोरोज का अर्थ होता है दुखी या उदास। और ग्लूमी, यहां पर इसका सही आंसर होगा फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी करना। फ्रेंडली और सेवी का क्या अर्थ है? सेवी का अर्थ होता है कि किसी चीज में, किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट होना। जैसे यदि मैं बोलता हूँ कंप्यूटर सेवी, तो मतलब उसका कंप्यूटर में झुकाव है या कंप्यूटर में उसका एक नेचुरल एप्टीट्यूड है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा बी। यहां पर आपको एंटोनिम बताना है। इर्क का अर्थ होता है, जैसे हम बोलते हैं इर्कसम, वह बहुत इर्कसम है, ही इज एन इर्कसम पर्सन। तो इर्कसम का अर्थ होता है कि इरिटेट करने वाला। ठीक है, तो इरिटेट तो इसका सिनोनिम होगा, लेकिन हमें सिनोनिम नहीं देखना है, हमें देखना है एंटोनिम। तो प्लीज, इरिटेट का एंटोनिम जो होगा वो होगा प्लीज। डिस्करेज का अर्थ होता है किसी को हतोत्साहित करना। ठीक है, किसी को, किसी के कॉन्फिडेंस को डाउन करना। और अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोटेस्क। ये एक अच्छा वर्ड है। ग्रोटेस्क का अर्थ होता है जो जो शेप और साइज में, जो फिजिकली, फिजिकल लुक में थोड़ा सा ऑड या अजीब सा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। तो यहां पर लेकिन आपको एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम ग्रोटेस्क का जो होगा वो होगा प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है एकदम सिंपल, ग्रोटेस्क का अर्थ होता है एकदम अजीब सा। ठीक है, तो क्यूर का अर्थ होता है अजीब। क्यूर एक्चुअली इसका सिनोनिम हो सकता है यहां पर। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेन। जो ग्रोटेस्क नहीं है वो प्लेन होता है। कुछ इडियम्स देखते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं रियल क्वेश्चन, जो 5 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में SSC CGL 2017 को प्री में पूछे गए हैं। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने किसी बुक से नहीं लिए हैं, ये अपने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये रियल क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे 2018 में पूछे जा सकते हैं। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का अर्थ होता है कि जो भुखमरी है उसको दूर रखना। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और वो भूखा मर सकता है, उसको खाना नहीं मिलता है, तो उस चीज को अवॉइड करना। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का अर्थ होता है भुखमरी। तो ए इसमें आपका सही आंसर आपका हुआ। क्रैक द डील मतलब एक सौदा करना। एंट्री प्रोहिबिटेड मतलब एंट्री को रोक देना। और हैव अ प्लेजेंट टूर, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी। इसका सही आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन। टीडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? टीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस या कोई भी काम शुरू करते हैं, तो जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बेसिक इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हमें एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, हमारे पास, हमको सही लोकेशन पे ऑफिस नहीं मिल पा रहा है। तो कोई भी बिजनेस हम जब शुरू करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं, तो जो इनिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज कॉल्ड टीदिंग प्रॉब्लम्स। जैसे बच्चे को, बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उसके दांत निकलते हैं, वो रोता है, उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दैट इज सिमिलर टू द प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी। देखिए, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। और देखिए, ये होते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज जैसे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, तो इसको आप पूरा समझने के लिए हमारा जो क्वेश्चन टैग का वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी मतलब उसको कॉफी पीना या कॉफी लेना उसको पसंद नहीं था और मुझे भी पसंद नहीं था। यहां पर हमने उस चीज को रिपीट किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले नेगेटिव वर्ड नॉर लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव यदि ये सेंटेंस होगा तो इसमें हम सो लगाते हैं यहां पर। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे चाय पसंद है और उसके बाद मैं बोलता हूं कि मुझे भी पसंद है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सो डू आई, आई लाइक कॉफी एंड सो डू आई मतलब मुझे भी पसंद है। और यदि ये नेगेटिव हो तो यहां पर हम नॉर लगाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस पैटर्न होता है, वो होता है नॉर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉर डिड आई, ये इसका सही आंसर यहां पर होगा।
तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी। और इस तरह के क्वेश्चंस में एक नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो नो इंप्रूवमेंट का मतलब है कि यदि क्वेश्चन पहले से ही सही है तो उसमें आपको आपको डी ऑप्शन आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर में वर्थ जो वर्ड है वो पहले आता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग मतलब एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो देखने लायक है। यदि मैं बोलता हूं वर्थ रीडिंग तो मतलब ये चीज पढ़ने लायक है। अ बुक वर्थ रीडिंग, ठीक है। तो इसमें नाउन पहले आती है उसके बाद हम वर्थ लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है और इसमें आपका सही आंसर होगा बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है सीजीएल में और इसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल यहां पर आपका सही आंसर होगा। इम्पिग्नेबल मतलब जिसको आप जिसको अटैक नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इम्पिग्नेबल। इमोलेशन होता है अपने आप को जला लेना, जिसको हम आत्मदाह बोलते हैं, इमोलेशन, ठीक है। और हॉस्पिटेबल मतलब जो मेहमान नवाजी का शौकीन है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल। तो सही आंसर आपका जो होगा वो होगा सी, दैट इज इनकॉरिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको सही नहीं किया जा सकता, कोई भी गलती या कोई भी ऐसी चीज जिसको सही नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल इन वर्ड्स की आप स्पेलिंग भी देख लेना, इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। इम्प्रिग्नेबल हुआ, इमोलेशन हुआ, जिसमें आई और ई होती है वो स्पेलिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है, या जिसमें डबल लेटर आता है वो स्पेलिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है एसएससी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन 14 देखते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बली का बकरा। किसी व्यक्ति ने गलती की और उसका उसका आरोप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बली का बकरा या स्केप गोट। स्केप गोट इज द राइट वर्ड, ठीक है। स्केप गोट हम उसको बोलेंगे। फ्लैगमेटिक का क्या अर्थ है? फ्लैगमेटिक मतलब जो इनडिफरेंट है, जो शांत है, जो अनकंसर्न है, उसको हम बोलते हैं फ्लैगमेटिक, ठीक है। कैप्टर जो कैप्चर कर लेता है। बर्सर का क्या मतलब है? अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ ए कॉलेज और स्कूल, ठीक है। तो बर्सर का अर्थ होता है जो फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है कॉलेज या स्कूल में। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग थोड़ा सा डिटेल में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको इनके काफी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए मैंने आपको बताया था कि ई और आई वाले वर्ड जो होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। कंसीव, सी ओ एन सी ई आई वी सही है। लेजर इसमें सही है। रेन यानी जो जो आपका किंगडम जो होता है उसको हम बोलते हैं रेन। और नीस में एक्चुअली आई पहले आता है, एन ई आई सी नहीं होगा, ठीक है, एन आई ई सी होगा। तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा आपका सी। यहां पर देखते हैं कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इररिलीवेंट में ए आता है, इररिली यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर ए आता है। इररिलीवेंट की स्पेलिंग तो सही है। पेरिशेबल सही है, टेंजिबल सही है। डिक्शनरी डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई होता है, एक्चुअली यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये पैराजंबल के क्वेश्चन है और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके कुछ बेसिक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए पैराजंबल एक लॉजिक का आपका टेस्ट है और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि पैरा जो पैराजंबल स्टार्ट होता है वो किसी टाइटल वर्ड से स्टार्ट होता है। एक तो आप ये याद रखिए, ठीक है, हाउ एवर या किसी भी और दूसरे कंजक्शन से या फॉर एग्जांपल इस तरह के वर्ड से पैराजंबल स्टार्ट नहीं होता है। पैराजंबल नॉर्मली किसी नाउन से स्टार्ट होता है या किसी टाइटल वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको नाउन वाला जो सेंटेंस है वो देखना है और उस नाउन को जो रिप्लेस करेगा वो होगा प्रोनाउन। तो नाउन के बाद प्रोनाउन वाला सेंटेंस कनेक्ट होगा, ठीक है। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, इस तरीके से आपको देखना है। ये एक नॉर्मल फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूं इसका। अब देखिए यहां पर देखिए कोई स्टोरी शुरू हो रही है। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, मतलब एक गहरी रात थी पतझड़ की और उसमें मैं ट्रेवल कर रहा था हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर बैठ के एक डरावने गांव से गुजर रहा था या डरावने रास्ते से मैं गुजर रहा था। ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। तो चूंकि यहां से स्टोरी शुरू हो रही है इसमें, तो ये सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है। देखिए प्रोनाउन वाले सेंटेंस नॉर्मली फर्स्ट नहीं होते, जैसे इसमें प्रोनाउन दिया है इट तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता, इसमें प्रोनाउन दिया है दिस ये फर्स्ट नहीं हो सकता। जो फ्रेजेस हम इस्तेमाल करते हैं वो भी फर्स्ट नहीं होते क्योंकि वो सेंटेंस का एक्सटेंशन होते हैं,
ठीक है, अब यहां पर स्टोरी शुरू हो रही है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, वो होगा एक्सटेंशन। तो इसके बाद हम ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, एट नाइट फॉल, मतलब जैसे ही रात हुई, आई केम इनसाइड ऑफ द हाउस ऑफ अशर, मैं अशर के घर में मैंने शरण ली। तो ये होगा आपका सेकेंड सेंटेंस। इसके बाद ये बता रहा है कि अशर कौन था, दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल, ये अशर का घर था जो कि मेरा बचपन से दोस्त था। तो ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस, और इसके बाद आ जाएगा ये वाला सेंटेंस। तो यहां पर आपका सीक्वेंस बन जाएगा क्यू एस आर पी, इसमें आपका सेंटेंस आपका सी इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, इसमें भी देखिए पहले नाउन को हम लेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस ये हो सकता है क्योंकि इसमें नाउन दिया है कॉमन जर्मन प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल वाला सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा, द टर्म लपंका ये भी फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले इसका रेफरेंस आएगा, हम किसी टर्म को बाद में समझाएंगे पहले उसका रेफरेंस देंगे, तो इसलिए ये सेंटेंस इसमें फर्स्ट हो सकता है। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इज इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश स्ट्रीट, एक कॉमन जर्मन प्रैक्टिस थी ऑक्यूपाइड पोलैंड में, जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाइड कर लिया था, और एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि वहां पर जो सिविलियंस थे उनको उनको इकट्ठा कर लिया जाता था, वहां पर उनको पनिश किया जाता था जैसे अंग्रेज करते थे भारत में, तो ये कॉमन प्रैक्टिस हुई। ठीक है, और यहां पर मैं थोड़ा सा ट्रिकी एक फंडामेंटल आपको बता रहा हूं कि जो कॉमन जर्मन प्रैक्टिस थी जिसमें राउंड अप किया जाता था पॉलिश लोगों को, उसको उस राउंड अप के प्रोसेस को हम लापंका बोलते हैं। द टर्म लापंका कैरियड ए सार्डोनिक कॉनोटेशन फ्रॉम द वर्ड अर्लीस्ट यूज फॉर द चिल्ड्रंस गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग, तो यहां पर थोड़ी सी नॉलेज आपको चाहिए तो इसके लिए ये सेंटेंस इसमें सेकेंड हो जाएगा आपका। और यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि ये देखिए पी और आर एक मैंडेटरी पेयर बना रहा है क्योंकि यहां पर हमने कुछ फैक्ट्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस डेली, यहां पर हम इसका एक फैक्ट को एक्सटेंशन कर रहे हैं यहां पर कि ये जो प्रैक्टिस थी 42 से 1944 के बीच में 400 विक्टिम्स थे इस प्रैक्टिस के, और यहां पर उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो पी आर आपका हो जाएगा क्यू एस पी आर आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को आपको याद रखना है, पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा, और मैंडेटरी पेयर आपको बनाना है। मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि लॉजिकली कनेक्ट करना है सेंटेंसेस को। ठीक है, जैसे हम कोई फैक्ट पहले बोलेंगे फिर उसका एग्जाम्पल हम बाद में देंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल हम पहले दे देंगे और फैक्ट को बाद में बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है, नाउन और प्रोनाउन का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंजक्शन का भी कभी कभी यूज होता है कि इस सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस आपका आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको काफी कराऊंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस इन फंडामेंटल्स को आप अप्लाई करना है आपको कि नाउन आएगा पहले उसके बाद प्रोनाउन आएगा, और मैंडेटरी पेयर आपको क्रिएट करना है, मतलब लॉजिकली कनेक्टेड पेयर आपको क्रिएट करना है। एन एलिफेंट मे बी हेल्प इवन बाय एन एंट, तो ये चेंज द वॉइस है। देखिए सीजीएल में या एसएससी एग्जाम्स में वॉइस के सेंटेंसेस आते हैं, पर्टिकुलरली मेंस में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, 40-40 सेंटेंस आते हैं वॉइस के नरेशन के, और इसमें एसएससी आपको बताएगा नहीं कि इसको एक्टिव से पैसिव में करना है या पैसिव से एक्टिव में करना है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। यदि पैसिव है तो आपको एक्टिव में चेंज करना है, और एक्टिव है तो आपको पैसिव में चेंज करना है। अब चूंकि यहां पर एक एजेंट लगा हुआ है, बाय फ्रेज यहां पर लगा हुआ है, और बाय फ्रेज को हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। मे बी के स्थान पर मे आ जाएगा इसमें, तो कैन है तो ये तो बनेगा नहीं, और चूंकि यहां पर इसमें इविन आया है तो इविन को हम शुरुआत में ही लेंगे। एन एलिफेंट मे बी हेल्प इविन बाय एन एंट, मतलब एक एलिफेंट की सहायता यहां तक, एलिफेंट की सहायता एक यहां तक कि एक चींटी के द्वारा भी की जा सकती है। एन एलिफेंट मे बी हेल्प इविन बाय एन एंट, मतलब यहां तक कि एक चींटी भी हाथी की सहायता कर सकती है। तो इविन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट, इसमें चूंकि मे बी है तो यहां पर मे आएगा, इविन को हम जिस वर्ड के पहले लगाएंगे उसी वर्ड को वो क्वालिफाई करेगा, इसको आप ध्यान रखें इविन को और टू को। जैसे यदि ये सेंटेंस आप करते हैं एन एंट मे इविन हेल्प, मतलब
इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एंट जो है वो काफी काम कर सकती है और वो सहायता का काम भी कर सकती है. एंड एंट में इवन हेल्प, मतलब यहां पर हम एंट क्या क्या काम कर सकती है ये बता रहे हैं. तो ये सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा वो गलत निकलेगा. इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि एक एक चीटी भी एलिफेंट की सहायता कर सकती है. ठीक है, तो हालांकि ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इवन की जो पोजीशन है इसमें गलत है. इवन की जो पोजीशन आएगी वो एंड से पहले आएगी, इसमें भी एंड से पहले ही है. ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इस तरह के सेंटेंसेस में, ये ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं. और यहां पर आपका आंसर होगा सी, इवन एन एलिफ इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट. ये है नरेशन का सेंटेंस, प्लीज डू नॉट क्राई ही सेड. तो चूंकि इसमें प्लीज लगा हुआ है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे. ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा. प्लीज हम नहीं लगाते. डायरेक्ट नरेशन में जो प्लीज होता है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में यूज नहीं करते, उसकी जगह रिक्वेस्टेड या बैग्ड जैसे सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. और चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है इसलिए यहां पर हम नॉट टू क्राई का इस्तेमाल करेंगे. ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं. द लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड, कुड बी इनहेंस्ड मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है. किस चीज को बढ़ाया जा सकता है? लेक्चर, लेक्चर की किस चीज को बढ़ाया जा सकता है? लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड मतलब लेक्चर की, लेक्चर से संबंधित यहां पर एक चीज है उस चीज को बढ़ाया जा सकता है. बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क. ठीक है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस चीज को? लेक्चर का ब्रीफ रिव्यू करके, उसका जो वर्क है उसमें जो पढ़ाया जाना है उसका ब्रीफ रिव्यू करके. तो यहां पर क्या वर्ड आएगा? यहां पर आएगा इफेक्टिवनेस. द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर मतलब उसकी जो प्रभावशीलता है. ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क. यहां पर आएगा मतलब हम लेक्चर देने से पहले, उसके पहले जो वर्क होगा, लेक्चर को क्लास में जाने से पहले, लेक्चर को देने से पहले उसका, उसकी जो तैयारी होगी वो लेक्चर से पहले होगी, जो वर्क होगा वो लेक्चर से पहले होगा. तो इसलिए यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रिसीडिंग. प्रिसीडिंग का होता है पहले. ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी एनहांस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क प्रिसीडिंग. इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर. यहां पर क्या लगा सकते हैं? चूंकि इनटू दिया है यहां पर लेक्चर के बाद, हाउ द डेज लेक्चर इनटू द कोर्स पैटर्न. यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कोर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग लेक्चर है या नहीं, उसमें वो फिट होता है या नहीं. तो इसलिए यहां पर फिट वर्ड जो होगा वो सही होगा. हाउ द डेज लेक्चर फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न. अ लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग. यदि लेक्चर एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको कभी भी एक ही बार में पूरा नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी उसको पूरा नहीं किया जाना चाहिए. तो यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, अ लेक्चर. और यहां पर नेगेटिव वर्ड जो है वो है सेल्डम. अ लेक्चर शुड सेल्डम बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? यहां पर उसका इफेक्ट दिखाया है. अ लेक्चर स्ट्रेन्स द कैपेसिटी ऑफ ए कंसंट्रेटेड लिसनिंग. यहाँ पर कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कंसंट्रेटेड लिसनिंग, कॉजिंग इंटरमिटेंट वॉटरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन द थॉट. माइंड की एक कैपेसिटी होती है, माइंड के साथ, यहाँ पर हम माइंड की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए कैपेसिटी वर्ड इसमें बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा. तो थोड़ा सा आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है, और लॉजिक और वोकैबुलरी, ये चीजें आपको इसमें अप्लाई करनी. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. यदि नहीं समझ में आया है पूरा वीडियो क्लास, तो आपको इसको फिर से देखें, आपको अच्छे तरीके से ये सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी. कोई भी आप फीडबैक आप देना चाहते हैं